आते के साथ ही आप अजमेर के कमरे में चले गए, कोई खास बात थी? खास बात थी। ऐसी क्या खास बात थी जो आपको उसके कमरे में जाके करनी थी? जो बात मैंने अपने बेटे से की वो तुमको भी बता देता हूं। इस्माइल आया था मार्ट पर, उसने वर्दा और हुदा के रिश्तों से इनकार कर दिया है। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? वही बता रहा हूं जो सुन रही हो। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है, मतलब ना बाप कुछ बता रहा ना बेटा। जो बात बेटा नहीं बता रहा वो मैं बता तो रहा हूं, और खबर तो तुमको इसकी भी होगी ना। क्यों वर्दा, तुमने अपनी मामा को कुछ नहीं बताया? आरिज का फोन आया होगा और तुम दोनों ने इस मसले को डिस्कस भी किया होगा। बोलो, ये आप उससे कैसे बात कर रहे हैं? मतलब हुदा की गलती की सजा आप वर्दा को क्यों दे रहे? कौन सी गलती? हुदा ने कोई गलती नहीं की, और तुम्हें क्या लगता है कि हुदा गलती करेगी और मजमे को इकट्ठा करके सबको बताएगी? हद करती हो तुम भी। मैं शहीर से खुद बात करूंगा। और एक बात तुम सुन लो, हुदा मेरी बहू बने या ना बने, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी मानता था और मानूंगा। वर्दा और हुदा मेरी एक जैसी बेटियां हैं दोनों। और हां, एक बात और सुन लो, मैं इस्माइल के फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक हूं।